सत्ता और सियासत का एक ऐसा रिश्ता है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि जब सियासत थी तो सत्ता नहीं थी और जब सत्ता आई तो सियासत को अपने पैर समेटने पड़े। कहने को तो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू थे, पर जब जैसे सिक्के के दो पहलू भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसी तरह ये दोनों भी एक दूसरे के साथ होते हुए भी विरोधाभासी थे। यूं तो राजस्थान में बहुत से किस्से कहानियां हैं, पर आज भी सत्ता और सियासत का एक ऐसा किस्सा मशहूर है जिसने राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी सिटिंग विधायक के एनकाउंटर में हत्या कर दी गई थी। एक ऐसा किस्सा जिसमें विधायक जी ने अपनी जीप से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को बार बार टक्कर मारी थी। क्या है पूरा किस्सा, आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान की सत्ता और सियासत का एक ऐसा किस्सा जिसने राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों को हिलाकर रख दिया था और अंत में देना पड़ा मुख्यमंत्री को इस्तीफा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। यह राजस्थान संवाद की सीरीज किस्से सियासत के। 35 साल के लंबे इंतजार के बाद राजा मान सिंह हत्या मामले में इंसाफ हुआ। 11 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह एक ऐसा मामला था जिसने राजस्थान की राजनीति में एक तरह से भूचाल हिला दिया था। आखिर कौन थे राजा मान सिंह, क्या हुआ था उस दिन? भरतपुर रियासत के राजा मान सिंह का जन्म 1921 में हुआ था। राजा मान सिंह बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उन्हें आम जनता के बीच रहना बहुत ज्यादा पसंद था। ब्रिटेन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी उन्होंने की थी। फिर अंग्रेजी शासन में सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट भी बन गए। उस समय भरतपुर में लोग देश के साथ रियासत का भी झंडा लगाते थे। बस इसी बात पर अंग्रेजों से ठन गई, नौकरी छोड़ी और राजनीति में आ गए। देश आजाद होने के बाद राजा मान सिंह ने भी राजनीति में कदम रखा, मगर कांग्रेस का साथ उन्हें मंजूर नहीं था, इसीलिए निर्दलीय ही चुनाव लड़ा। डीग विधानसभा सीट से 1952 से 1984 तक 7 बार निर्दलीय विधायक चुने गए। फिर कांग्रेस से इस बात पर समझौता किया कि उनके खिलाफ उम्मीदवार भले ही उतारा जाए, लेकिन कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए नहीं आएगा। और इसी का नतीजा था कि 1977 में जेपी लहर और 1980 की इंदिरा लहर में वो चुनाव जीत गए। इसके बाद 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और राजस्थान में सत्ता में आए शिवचरण माथुर। क्योंकि राजा और कांग्रेस के बीच समझौता था तो महाराज के खिलाफ कांग्रेस नेता तो उतार दी, पर कोई बड़ा चेहरा कभी प्रचार के लिए नहीं आता था, तो राजा जी डीग से हर बार निर्विरोध चुन लिए जाते थे। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने डीग सीट को नाक का सवाल बना लिया था। डीग से कांग्रेस उम्मीदवार थे सेवानिवृत्त आईएएस ब्रजेंद्र सिंह। 20 फरवरी को वो कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए डीग पहुंच गए। ये कांग्रेस के किसी बड़े नेता को प्रचार के लिए ना भेजने के समझौते के खिलाफ था। माथुर के इस कदम से स्थानीय कांग्रेस नेता भी खुश हो गए और उन्होंने राजा मान सिंह के पोस्टर्स फाड़ दिए, जिसके बाद राजा मान सिंह को कांग्रेस की ओर से मिला ये धोखा सहन नहीं हुआ और उन्होंने सीएम की रैली से पहले ही मंच को तुड़वा डाला। इसलिए राजा मान सिंह जोगालीप लेकर उस हेलीपैड की ओर बढ़े जहां सीएम का हेलीकॉप्टर आना था। गुस्से से लाल राजा मान सिंह ने वहां खड़े हेलीकॉप्टर को कई बार टक्कर मारी। मजबूरी में मुख्यमंत्री माथुर को सड़क से जयपुर रवाना होना पड़ा। इस पूरी घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और उपद्रव की आशंका के चलते कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। डीग थाने में पायलट और आरएसी जवान विशंभर दयाल सैनी की ओर से आईपीसी की धारा 147, 149, 307, 427 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई और राजा पर केस भी दर्ज हो गया। इसके बाद हुआ वो जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। एक तरफ थे राजा तो दूसरी तरफ थे प्रदेश के मुख्यमंत्री। बताया जाता है कि 21 फरवरी को राजा मान सिंह अपने समर्थकों के साथ अपनी जीप से निकले। उनके चाहने वालों ने उन्हें मना भी किया। उन्हें बताया गया कि कांग्रेस की सरकार है और आपने सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दी है, कर्फ्यू भी लगा हुआ है। लेकिन राजा मान सिंह का कहना था कि उनके रियासत में उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। राज परिवार का कहना है कि राजा मान सिंह थाने में समर्पण करने जा रहे थे, तभी डीग मंडी के पास डिप्टी एसपी कान सिंह भाटी और उसके साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया।
उनके साथ बैठे हरि सिंह और सुमेर सिंह की भी हत्या कर दी गई। पुलिस इसे मुठभेड़ साबित करने पर तुली रही, पर राजा मान सिंह के दामाद विजय सिंह ने कान सिंह भाटी समेत 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस घटना के बाद पूरा भरतपुर जल उठा। इसकी तपिश मथुरा, आगरा और पूरे राजस्थान में महसूस की गई। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी सिटिंग एमएलए का दिन दहाड़े एनकाउंटर कर दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर पर आरोप लगे कि उनके शह पर पुलिस ने राजा की हत्या की है। केंद्र तक भी ये बात पहुंची थी और इसका नतीजा निकला कि 23 फरवरी 1985 को माथुर को इस्तीफा देना पड़ा। हीरालाल देवपुरा को सीएम बना दिया गया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इसी बीच 1990 में दीपा भरतपुर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद चुनी गई। उन्होंने राजनीतिक विरासत संभालने के साथ ही इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने का प्रण लिया। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच मथुरा ट्रांसफर कर दी। इस बहुचर्चित हत्याकांड की सुनवाई के दौरान 1700 तारीखें पड़ी और 25 जिला जज बदल गए। साल 1990 में ये केस मथुरा जिला जज की अदालत में ट्रांसफर किया गया था। कुल 78 गवाह पेश किए गए, जिनमें से 61 गवाह राजा के थे तो 17 गवाह बचाव पक्ष ने पेश किए। 8 बार फाइनल बहस की गई। इस सुनवाई के दौरान करीब 35 साल में लगभग 1000 से ज्यादा दस्तावेज पेश किए गए, जिसके बाद मथुरा जिला कोर्ट ने 35 साल पुराने बहुचर्चित राजा मान सिंह हत्याकांड में पूर्व डीएसपी कान सिंह भाटी समेत 11 पुलिस वालों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया। हत्या के 3 आरोपियों नेकीराम, सीताराम और कुलदीप की मौत हो चुकी है। आरोपी महेंद्र सिंह पहले ही रिहा किया जा चुका है। ये एक बहुत बड़ा मामला था। 35 साल बाद इस मामले में फैसला आया। अदालत ने माना कि राजा मान सिंह की हत्या हुई थी, पुलिस मुठभेड़ की बात गलत साबित हुई। तो ये थी राजस्थान संवाद की सीरीज किससे रियासत के। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपके लिए इस सीरीज में और भी किस्से कहानियां लेकर आ सकें। अरे तू मोबाइल ही देखती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? अरे तुम ऑफिस भी जाओगे या मोबाइल ही देखते रहोगे? अरे मोबाइल से बाहर भी निकलो, बाहर भी कोई दुनिया है। तो देखा आपने, आजकल न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी सबका काम एक डिवाइस कर रहा है और वो है आपका मोबाइल। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं, क्योंकि हम यानी कि मिशी मीडिया सॉल्यूशंस 2500 से भी ज्यादा वीडियो मार्केटिंग के वीडियोस बना चुके हैं और भारतीय कंपनियों के साथ हजारों वीडियोस बना चुके हैं। 35 देशों में हमारी कंपनी की पहुंच है। यहां पर आप हमारी कंपनी के सीक्रेट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं, अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में वीडियोस बनाते हैं। तो आज ही कॉन्टैक्ट करें और अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाएं।